अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटेशन। और इसमें हम देखेंगे कि डिपार्टमेंटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, डिपार्टमेंटेशन के मीनिंग्स क्या होते हैं, डिपार्टमेंटेशन की टाइप्स क्या होती हैं, और डिपार्टमेंटेशन की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये डिटेल में हम इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। आवर टॉपिक नेम इज डिपार्टमेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंटेशन होते क्या है। डिपार्टमेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन मीडियम हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन लार्ज हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के डिवीजन जो है डिपार्टमेंटेशन के अकॉर्डिंगली होती है, और इसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन नहीं कर सकती। और डिपार्टमेंटेशन को क्रिएट करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्ट से लेकर एंड तक एक्टिविटीज को ग्रुप वाइज डिवाइड कर देते हैं, और इस ग्रुप वाइज डिवीजन के अंदर हम फोकस करते हैं कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके अंदर सिमिलरिटी है, और इन सिमिलर एक्टिविटीज को कलेक्टिव करके इस तरह ग्रुप करके, और फिर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग कर दिया जाता है, और इस तरह क्रिएशन होती है डिपार्टमेंटेशन की। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटेशन के मीनिंग क्या है। डिपार्टमेंटेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच सिमिलर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर ग्रुप इनटू यूनिट ऑफ द पर्पस ऑफ फैसिलिटेशन स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट लेवल। डिपार्टमेंटेशन के अंदर हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज को सिमिलरिटी की बुनियाद पे ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग करने के बाद इन एक्टिविटीज को सेपरेट करके स्मूथली एडमिनिस्ट्रेटिवली फंक्शन करते हैं। इससे हमारे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स, बहुत सारे जो बैरियर्स, बहुत सारी जो हिंड्रेंस होती है वो खत्म हो जाती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी एंड एफेक्टिवनेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही बेसिक नीड्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इस सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुपिंग करके एक दूसरे से डिवाइड करना, और यहाँ से सिलसिला शुरू होता है डिपार्टमेंटेशन का। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटेशन मींस डिपार्टमेंटेशन रेफर टू सेट द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑपरेशन ऑफ अंडरटेकिंग इनटू फंक्शनलाइज्ड कैटेगरीज। इट क्रिएट इन प्रोडक्ट वाइज, प्रोसेस वाइज, एरिया वाइज एंड इंश्योर प्रॉपर डायरेक्शन एंड टू कंट्रोल देम। यहाँ पर हम डिपार्टमेंटेशन को फंक्शनली, प्रोडक्ट वाइज, एरिया वाइज और मुख्तलिफ रीजन की बुनियाद पर एक दूसरे से अलग करते हैं, ताकि हम स्पेसिफिक गोल्स या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, और इस तरह हम जो है प्रोडक्टिविटी अचीव कर सके, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सके, और बहुत सारी प्रॉब्लम को गिव अप कर सके। ये तमाम वो रीजन होती हैं जिनकी बुनियाद पर हम डिपार्टमेंटेशन को क्रिएट करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन का एक प्रोसेस है जो मुख्तलिफ स्टेप से गुजर कर कम्प्लीट होता है। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो हमें जॉब एनालिसिस यानी वर्क को आइडेंटिफाई करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट से लेकर एंड तक कितने नेचर ऑफ वर्क क्या है, और फिर उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। इसको हम जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे उस वक्त तक हम सही डिपार्टमेंटेशन क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है वर्क की, कि मुख्तलिफ काम हैं क्या जिनसे मिलकर हम फाइनल फिनिश गुड्स या सर्विस वहां तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद हम करते हैं एनालिसिस डिटेल ऑफ ईच वर्क। फिर हम डिटेल एनालिसिस करते हैं हर वर्क का, ताकि हमें ये पता चल सके कि इनमें सिमिलरिटी कितनी है और इनमें डिफरेंसेस कितने हैं। जब हम डिटेल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ से सिलसिला शुरू होता है सिमिलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज की आइडेंटिफिकेशन का। तो हमें क्या करना होता है, डिटेल एनालिसिस करना होता है हर वर्क का। थर्ड हमारा स्टेप है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन की स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन होती है। ये डिस्क्रिप्शन क्रिएट किए बगैर क्लैरिटी नहीं हो सकती कि
आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटीज को डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप होता है इंडस्ट्रिंग द फंक्शन टू सेपरेट पर्सन हु हैज स्पेशलाइज इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। फिर हम ढूंढते ऐसे शख्स को, जब हमने इन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को अलग किया है, तो इन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को अलग करने के बाद ये जो हमारी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है इनका कोई स्पेशलाइज पर्सन, जिसको हम दूसरे मीनिंग्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते हैं, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड, इस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड, ये डिपार्टमेंट्स मैनेजर कहलाते हैं। जब तक ये स्पेशलाइज पर्सन अवेलेबल नहीं होंगे, उस वक्त तक इन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मॉनिटर और कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लास्ट हमारा स्टेप होता है फिक्सिंग द स्कोप ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। फिर हम फाइनलाइज करते हैं कि हर डिपार्टमेंट के हेड की अथॉरिटी क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और इस तरह उनको उनकी डोमेन में आइडियल पोजीशन पर एक लेवल ऑफ अथॉरिटी डेलीगेट्स कर दिया जाता है और फिर उन्हें रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है कि जो अथॉरिटी उन्होंने ली है या जो अथॉरिटी उन्हें डेलीगेट्स की गई है, वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करें और वो अपनी जॉब को एज बेस्ट एज पॉसिबल परफॉर्म करें। तो ये बुनियादी तौर पे 5 स्टेप हैं जिनको हम प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन कहते हैं। इसके जरिए डिपार्टमेंटेशन क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। जरूरत क्या है डिपार्टमेंटेशन की और अहमियत क्या है डिपार्टमेंटेशन की। फर्स्ट पॉइंट हमारा है इट इंक्रीजेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। सबसे बुनियादी जो डिपार्टमेंटेशन का बेनिफिट और एडवांटेज है वो ये है कि एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी में इजाफा होता है। और एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी में इजाफा होने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि जब हम बुनियादी तौर पे सिमिलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को सेपरेट करके और एम्प्लॉइज का एक स्पेसिफिक ग्रुप एक स्पेसिफिक एक्टिविटी में एंगेज करते हैं, तो उससे एम्प्लॉइज की लर्निंग फास्ट हो जाती है, उनकी डोमिनेशन ऑफ वर्क बढ़ जाता है और उनकी ग्रीवेंसेस कम हो जाती है, और यही वजह है कि वो शॉर्ट वाइल कम वक्त में ज्यादा एफिशिएंट बन जाते हैं। इससे स्पीड ऑफ वर्क बढ़ जाता है, इससे क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ जाता है और इससे हम फाइनली प्रोडक्टिविटी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। ये बुनियादी तौर पे सबसे अहम बेनिफिट है कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और एफिशिएंसी को हम अचीव कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है इट्स मेक द एग्जीक्यूटिव टू बी अलर्ट एंड एफिशिएंट इन हिज ड्यूटी। इसका दूसरा फायदा होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग होते हैं और वो अपनी ड्यूटीज में बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको इस डोमेन में स्पेसिफिक अथॉरिटी भी दी गई है और स्पेसिफिक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, बिल्कुल क्लैरिटी होती है और वो आसानी से अपनी जॉब को परफॉर्म करते हैं। थर्ड पॉइंट है इट इंक्रीज द परसेंटेज, हमारा थर्ड स्टेप है इट इंक्रीजेज रिक्रूटमेंट एंड स्किल्स ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड। डिपार्टमेंटल हेड की स्किल्स का बहुत अहम रोल होता है किसी भी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जितना वेल वर्स, जितना कॉम्पिटेंट, जितना एक्सपीरियंस होल्डर डिपार्टमेंटल हेड होगा, उतना ही ज्यादा सबऑर्डिनेट वेल परफॉर्म कर सकेंगे। और डिपार्टमेंटल हेड जब एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज में सुपरवाइज करता है, काउंसलिंग करता है, इंगेज होता है, तो इससे उसकी इन स्किल्स भी मल्टीप्लाई होती है और वो बेहतर से बेहतर सुपरवाइज करने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इट मेक द डिपार्टमेंटल हेड एफिशिएंट। डिपार्टमेंटल हेड एफिशिएंट हो जाता है, जैसे हमने बताया है कि एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी लर्निंग फास्ट होने की वजह से होती है, इसी तरह डिपार्टमेंट का मैनेजर भी जब सेम डायरेक्शन में डिसीजन मेकिंग अगेन अगेन करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उससे उसकी भी लर्निंग बढ़ती है और डेफिनेटली उनकी भी एफिशिएंसी में इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्वाइवल, और उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ। कल की स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन आज की मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, आज की मीडियम ऑर्गेनाइजेशन कल की लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत नेसेसरी होता है, और डिपार्टमेंटेशन की बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पॉसिबल होती है और हम उसको एक्सपेंड करने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट, इट्स गिव एडवांटेज लाइक फैसिलिटेटिंग बजट प्रिपरेशन, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, अटेंडिंग स्पेशलाइजेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन। फाइनली जो इसमें हमें फायदा होता है वो होता है बजटिंग करने में। बजटिंग मींस किस काम के लिए कितने एक्सपेंडिचर, किस काम के लिए कितना टाइम, किस काम के लिए कितनी रिसोर्सेस एलोकेट करनी चाहिए। बजट अभी नेक्स्ट हम आगे जाके कंट्रोलिंग में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बजट इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस। तो बजटिंग बड़ा अहम रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट एफिशिएंसी में, और अगर ये डिपार्टमेंटेशन या ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को सेपरेट ना किया जाए तो किस काम में कितनी रिसोर्सेस, कितना टाइम और कितने एक्सपेंडिचर होने चाहिए, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये आसान हो जाता है किसकी बुनियाद पे, डिपार्टमेंटेशन की बुनियाद पे। फिर उस स्पेशलाइजेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन, और एक डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट मैनेजर और सबॉर्डिनेट के दरमियान एक बहुत ही आइडियल इन्वायरमेंट क्रिएट होती है, और उससे उनके आपस में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। एरिया ऑफ फोरकास्टिंग, याद हो फोरकास्टिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन के अंदर स्पेसिफिकेशन, जाहिर है हमने बात की सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं और उनको एक दूसरे से सेपरेट कर दिया जाता है, तो ये एक स्पेसिफिकेशन की तरफ से ले आता है। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है हमारे लिए क्या है कि डिपार्टमेंटेशन के जरिए जब हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाते हैं तो हमारे लिए हर काम जिसमें मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट खर्च होती है तो ये हमारे लिए बहुत इकोनॉमी हो जाता है। नेक्स्ट है रिकग्निशन ऑफ लोकल कंडीशन। इससे हमारे को रिकग्नाइज करने में बहुत हमें रिकग्नाइज करने में आसानी होती है जहाँ पे टेरिटरी ऑफ वर्क है वहाँ के रिकग्निशन और वहाँ की कंडीशन को। कंट्रोल, कंट्रोल किसी भी मैनेजमेंट फंक्शन का सबसे मुश्किल टारगेट होता है, और कंट्रोलिंग की सिंपली डेफिनेशन अगर हम बात करें तो कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल स्टैंडर्ड्स। हम क्या करना चाहते थे और हम क्या कर रहे हैं, इनके दरमियान में जो हम कंपैरिजन करते हैं ये कंट्रोल कहलाता है। और जब सेपरेट डिपार्टमेंट के सेपरेट हेड होते हैं और वो सेपरेट हेड अकाउंटेबल होते हैं मिडिल मैनेजमेंट के, तो उस तरह एक स्मूथ कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होती है। और नेक्स्ट सबसे अहम पॉइंट है कोऑर्डिनेशन, और डिपार्टमेंटेशन के जरिए हमारी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होती है क्योंकि हर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉय अकाउंटेबल होता है डिपार्टमेंट हेड का, और डिपार्टमेंट हेड अकाउंटेबल होता है मिडिल मैनेजमेंट का, और मिडिल मैनेजमेंट अकाउंटेबल होती है टॉप मैनेजमेंट के। तो यहाँ पे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और इस तरह हम अपनी चैलेंजिंग और ज्वाइंट गोल को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक ग्रुपिंग डाइवर्स एक्टिविटीज। डिपार्टमेंटेशन में क्या बेसिक ग्रुप डाइवर्स एक्टिविटीज होती है। सबसे पहला पॉइंट है मैक्सिमम यूजेस। मैक्सिमम यूजेस दो लिहाज से, दो पॉइंट है, मैक्सिमम यूजेस ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूजेस ऑफ ह्यूमन स्किल्स। जब हम किसी भी काम में मैक्सिमम यूजेस ऑफ ह्यूमन स्किल्स करते हैं और मैक्सिमम यूजेस ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज करते हैं तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो जब हम डिपार्टमेंटेशन क्रिएट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज होता है वो होता है मैक्सिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को उसके पोटेंशियल या उसके मैक्सिमम लेवल पर जाके इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हासिल हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की पहली बात की कि डिपार्टमेंटेशन के जरिए कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है, कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होती है, और इस तरह अकाउंटेबिलिटी आसान हो जाती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट।
किसी भी नेचर ऑफ वर्क में की परफॉर्मेंस, किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का दारोमदार होता है उसके सेल्फ इंटरेस्ट पर। और ये सेल्फ इंटरेस्ट जब क्रिएट होता है जब वो अकॉर्डिंग टू स्किल्स, हिज स्किल, अपनी स्किल्स एबिलिटी की बुनियाद पे कोई पर्टिकुलर फील्ड चूज करता है और फिर उसी में परफॉर्म करता है। डिपार्टमेंटेशन के जरिए एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपनी फील्ड चूज करें, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इख्तियार करें और फिर उनसे वही काम लिया जाता है, उनको वही टास्क दिया जाता है जिसको वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। तो इससे ये होता है फर्दर उनके इंटरेस्ट में इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट है कंपटीशन। डिपार्टमेंटेशन में एक पॉजिटिव कंपटीशन क्रिएट होता है और पॉजिटिव कंपटीशन ये है कि जब डिफरेंट वर्कर, ये डिफरेंट एम्प्लॉई सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं तो वहां पे सबकी परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं होती। किसी की परफॉर्मेंस बहुत आइडियल होती है, बेस्ट होती है, किसी की परफॉर्मेंस एवरेज होती है, किसी की परफॉर्मेंस पुअर होती है। ऐसे में जब डिपार्टमेंट के अंदर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंट हो, रिवॉर्डिंग सिस्टम आइडियल हो, तो ऐसे में कंपटीशन पॉजिटिव डेवलप होता है और कल का वीक इम्प्रूवर आज का, कल का वीक परफॉर्मर आज का मिडिल परफॉर्मर बन जाता है और आज का मिडिल परफॉर्मर आने वाले कल में बेस्ट परफॉर्मर बन जाता है। एम्प्लॉयज एक दूसरे से लर्न करते हैं, सीखते हैं और अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी मैटर। डिपार्टमेंटेशन अगर हम बात कर रहे हैं पॉलिसी की, तो पॉलिसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में अहम रोल प्ले करती है और पॉलिसी की शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि हम आने वाले वक्त में किस तरीके से किसी काम को परफॉर्म करेंगे। तो पॉलिसी हर डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट भी होती है और सिमिलर भी होती है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज के जरिए डिपार्टमेंटेशन को ऑपरेट और रन किया जाता है। नेक्स्ट सेपरेशन, या सेपरेशन से मुराद है एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से सेपरेट होना। अगर इनके दरमियान में गैप नहीं होगा तो दो डिपार्टमेंट एक दूसरे को बजाय सपोर्ट करने के इनके दरमियान डिस्टरबेंस क्रिएट होगी और इससे दोनों की परफॉर्मेंस वीक होगी। तो दो डिपार्टमेंट के दरमियान में सेपरेशन यानी गैप होना बहुत जरूरी है, उस वक्त तक हम डिपार्टमेंटेशन के बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो प्रॉपर अटेंशन। प्रॉपर अटेंशन मींस कि हर डिपार्टमेंट के हेड से लेके डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से लेके डिपार्टमेंट के वर्कर तमाम की प्रॉपर अटेंशन डेवलप होती है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेसिफिक बाउंड्री पता होती है कि कहाँ तक उनकी अथॉरिटीज हैं और कहाँ तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नाउ कम टू वर्ड द बेसिक पैटर्न टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन बुनियादी तौर पे कितनी तरह के होते हैं, इसमें पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शंस। फंक्शन के लिहाज से ये सबसे फेमस, सबसे आइडियल डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंटेशन है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन मीडियम हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन लार्ज हो। तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिपार्टमेंटेशन आपको नजर आती है वो अकॉर्डिंग टू फंक्शंस होती है। इसकी एग्जाम्पल है कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, वहाँ पे आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट नजर आएगा, वहाँ पे आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नजर आएगा, एचआर डिपार्टमेंट नजर आएगा, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये अकाउंट, एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, इन तमाम को जो हमने सेपरेट किया है ये डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंटेशन कहलाती है बाय फंक्शन, यानी हर फंक्शन को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए। तो ये सबसे आइडियल पोजीशन, सबसे कॉमन, सबसे फेमस कंडीशन होती है डिपार्टमेंटेशन की। सेकेंड हमारे पास आता है डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट और सर्विस। वो ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना रही होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत लॉन्ग होती है तो वो डेवलपमेंट करती है डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी प्रोडक्ट के लिहाज से डिपार्टमेंट को सेपरेट कर देना और हम इस तरह अपने सेपरेट प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंटेशन बाय रीजन और एरिया। एरिया और रीजन के लिहाज से भी डिपार्टमेंटेशन चेंज हो जाते हैं, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपार्टमेंट बनाती है अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, या
डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्रीज में, तो ये जो डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंटेशन है ये कहलाती है बाय रीजन और एरिया। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर। बहुत सी कंपनीज की प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसी होती हैं जो प्रोडक्ट वेरी करती हैं एज ऑफ द कस्टमर, यानी प्रोडक्ट किड्स के लिए अलग है, यंग के लिए अलग है, ओल्ड एजेस के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो ऐसे में वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट अपने डिपार्टमेंट को डिवाइड कर देती है अकॉर्डिंग टू सेगमेंट ऑफ कस्टमर, यानी किड्स का डिपार्टमेंट अलग है, एडल्ट यानी यंग्स का डिपार्टमेंट अलग है, ओल्ड एजेस का डिपार्टमेंट अलग है, या मेल फीमेल। तो इस तरह हम क्या करते हैं डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद है डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस। ये भी बड़ी आइडियल काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन है जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में नजर आती है। मसलन एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई फैक्ट्री है, कोई जहाँ पर ड्रेसेस तैयार किए जाते हैं, तो वहां पर अगर आप जाकर देखें तो वहां पर डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन के बाद जो नजर आएगा वो डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस। कटिंग डिपार्टमेंट अलग है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट अलग है, पैकिंग डिपार्टमेंट अलग है, आयरनिंग डिपार्टमेंट अलग है, तो ये कहलाता है डिपार्टमेंट बाय प्रोसेस। एक और डिपार्टमेंट की जो डिवीजन है वो है डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम। टाइम के लिहाज से भी हम डिपार्टमेंट को सेपरेट कर देते हैं। कुछ काम, कुछ नेचर ऑफ स्पेसिफिक नेचर ऑफ वर्क ऐसे होते हैं जो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स वर्क करते हैं, और वहां पर परफॉर्मेंस भी अनट्रप्टेड नॉन स्टॉप कंटिन्यू जारी सारी रहती है। तो वहां पर जो है हम वर्क को 3 शिफ्ट में डिवाइड कर देते हैं और ये ईच शिफ्ट होती है 8-8 आवर्स। ऐसे में हम बाद में क्या करते हैं कि डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम इनको डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें जॉब को परफॉर्म करने में डिफिकल्टी फेस ना करें। फिर उसके बाद है डिपार्टमेंटेशन बाय नंबर्स। कोई ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में होते हैं तो वो सिंपल नंबरिंग में डिपार्टमेंटेशन को डिवाइड कर देती है। और उसके बाद है डिपार्टमेंटेशन बाय मार्केटिंग चैनल्स, और मार्केटिंग चैनल्स के हवाले से भी हम डिपार्टमेंटेशन क्रिएट करते हैं। तो इसमें जो सबसे बेसिक और सबसे अहम डिवीजन है वो है डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन, जो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में नजर आएगी, और डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस। प्रोसेस के लिहाज से डिपार्टमेंट्स कितनी तरह के होते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन। इसके कुछ हम एडवांटेजेस देखेंगे कि डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। इट इज अ साइंटिफिक एंड टाइम टेस्टेड मेथड। ये एक साइंटिफिक एंड टाइम टेस्टेड मेथड होता है जिसकी बुनियाद पर हम डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन क्रिएट करते हैं। सेकेंड है जरा हम यहाँ इसको तेजी से कवर करेंगे ताकि हमारा लेक्चर इस लिमिट टाइम में कंप्लीट हो जाए। इट्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, अब वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकॉल करता चलूँ। डिवीजन ऑफ लेबर किसे कहते हैं? जब हम किसी भी काम को मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर स्पेशलाइजेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर, या इसको डिवीजन ऑफ वर्क भी कहते हैं। फंक्शनली डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट की वजह से हम स्पेशलाइजेशन आसानी से हासिल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद होती है। नेक्स्ट है इंश्योर परफॉर्मेंस कंट्रोल, और यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना पॉसिबल हो जाता है और हम आसानी से परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारे पास प्रिजर्व द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ऑफ एक्टिविटी, और हर एक्टिविटी को बहुत डीपली ऑब्जर्व किया जाता है, कंसीडर किया जाता है और उसकी वीकनेसेस को इम्प्रूव किया जाता है। इसी तरह जो है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी विद इन द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटेशन के अंदर मैं पहली बात कर चुका हूँ कि कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया जाता है। इकोनॉमिकल, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इसके जरिए नए एम्प्लॉयज को आके एडजस्ट होने में, परफॉर्म करने में और उसको किसी भी तरह की डिफिकल्टी फेस करनी नहीं पड़ती। हेल्प यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना आसान हो जाता है और हम उसको उसके ऑप्टिमम लेवल पर यूज करते हैं। डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन के डिसएडवांटेजेस, इट मेक्स मैनेजमेंट
कंट्रोल वर्क मोर डिफिकल्ट, इससे मैनेजमेंट का जो कंट्रोल वर्क है वो मोर डिफिकल्ट हो जाता है। ये डिसएडवांटेज से मुराद हमारी क्या है कि यहाँ पर जब सेपरेट डिपार्टमेंट इनके दरमियान में गैप क्रिएट हो जाता है तो अक्सर एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, जबकि एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस दूसरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पे इन्फ्लुएंस सकती है। तो ये बड़ा डिसएडवांटेज है जिससे हमारी कंट्रोलिंग अक्सर पुअर होने लगती है। इंक्रीज वर्कलोड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, अक्सर डिपार्टमेंट के मैनेजर पर काम का बर्डन ज्यादा हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और वो सही तरीके से फिर उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। डज नॉट ऑफर स्कोप ऑफ ट्रेनिंग फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, और अक्सर डिपार्टमेंट के मैनेजर का जो स्कोप होता है या उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है और वो एक ही डिपार्टमेंट में कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं, तो उन्हें दीगर एक्टिविटीज की एक्सपीरियंस स्किल्स में बहुत पीछे रह जाते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा मल्टीटास्क परफॉर्म नहीं कर पाते। मैनेजर मे बी एक्सपर्ट बट मे नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ अदर डिपार्टमेंट, मैनेजर अपने डिपार्टमेंट की डोमेन में तो बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाते हैं लेकिन अदर डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड या रियलाइज नहीं कर पाते, और जैसे मैंने बताया कि एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस दूसरे डिपार्टमेंट पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस सकती है, तो ये उनके लिए बड़ा डेंजरस होता है। नाउ कम टूवर्ड्स द डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट एंड सर्विस, इसके एडवांटेजेस, सबसे पहला पॉइंट है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। जब हम डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट और सर्विस के लिहाज से डिवाइड करते हैं तो हम यूटिलाइज करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, क्योंकि जो स्पेसिफिक वर्कर को हम हायर करते हैं वो उसकी स्किल्स, उसकी एबिलिटीज, उसकी कॉम्पिटेंसीज को ऑब्जर्व करते हुए जब उसको टास्क दिया जाता है तो वो मैक्सिमम अपनी यूटिलाइज करता है कॉम्पिटेंसीज का। गेनिंग इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, और इस तरह हम अपने कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती चली जाती है और इस तरह हम आज की कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेटर सर्विस टू कस्टमर, अगर हम सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है और हमने डिपार्टमेंट को सर्विस वाइज डिवाइड किया है तो हम अपने कस्टमर और यूजर को बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे उसकी हमें कस्टमर लॉयल्टी हासिल होती है, पॉजिटिव इमेज डेवलप होता है और हम गुडविल अचीव करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट इज नोन, सेपरेट सर्विस सेपरेट प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी सेपरेट कैलकुलेट की जाती है और इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट इन कर रही है, कौन सी प्रोडक्ट कम प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इससे हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज की इंपॉर्टेंस का भी पता चल जाता है। नेक्स्ट, प्रॉपर अटेंशन इज गिवन, हर डोमेन में प्रॉपर कंसिडरेशन होती है, प्रॉपर अटेंशन होती है और इससे हमारी परफॉर्मेंस ग्रेजुअली इंप्रूव होती रहती है। न्यू लाइन ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट डिफिकल्टी, और वो जो एक सिलसिला है कि कंटिन्यूसली इन्वेंशन और इनोवेशन के जरिए नए से नई प्रोडक्ट या सर्विस इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो बगैर किसी डिफिकल्टीज के इंट्रोड्यूस होती हैं और मेच्योर होती हैं और इस तरह सिलसिला जारी सारी रहता है। नाउ कम टूवर्ड्स डिसएडवांटेजेस डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा डेंजर ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन एंड ओवरलैपिंग, ये दो बहुत ही डेंजरस पॉइंट हैं जो किसी भी परफॉर्मेंस को डैमेज करते हैं। यहाँ पर डुप्लीकेशन से मुराद ये है कि जब हम डिपार्टमेंटेशन को प्रोडक्ट और सर्विस के लिहाज से सेपरेट करते हैं तो वहाँ अक्सर हमें ऑब्जर्व कर अक्सर हम एक्सपीरियंस करते हैं कि वह डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, और जब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान टाइम और कॉस्ट की सूरत में होता है, क्योंकि काम अगर ड्यू टाइम हो गया सेम काम तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हमारी कॉस्ट भी वेस्ट होती है। नेक्स्ट, इंक्रीजेज द नंबर ऑफ पर्सन दैट लीड टू हैवी कॉस्ट, यहाँ पे इंक्रीज करने पड़ते हैं नंबर ऑफ पर्सनल, मुख्तलिफ डेजिग्नेशन जो लीड करते हैं और इससे हम उनके रेमुनरेशन का बर्डन बढ़ता है और हमारी कॉस्ट में इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट, एडिशनल कॉस्ट फॉर मेंटेनिंग
सेम फोर्सेस फॉर ईच प्रोडक्ट, फिर हमें एडिशनल कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है अपने सेल फोर्सेस के लिए, और इससे जो है हमारी कॉस्ट ग्रेजुअली बढ़ती है, जो कि इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल बिकम मोर डिफिकल्ट। कंट्रोल ऑलरेडी चैलेंजिंग है, और जब हम इस तरह की कंडीशन को फेस करते हैं तो हमारा कंट्रोल और डिफिकल्ट होता चला जाता है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर स्मूथ कंट्रोलिंग के कामयाब नहीं हो सकती। मशीन एंड इक्विपमेंट में नॉट बी यूज फुली, अगर आप अपनी रिसोर्सेज का फुल फ्लैश इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसका मतलब है ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, और ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज आपके लिए लॉस का सबब बनते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट एंड सर्विस क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जो एलोकेटेड मशीनरी या इक्विपमेंट है उनका फुल फ्लैश यूजेस नहीं होता। लास्ट पॉइंट है ओनली फॉर लार्ज स्केल डाइवर्सिफाइड ग्रोथ। ये डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंटेशन सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडियल होती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन आमतौर पर इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन बाय रीजन एडवांटेजेस। इसके पहला पॉइंट है इफेक्टिव स्पैन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर मैं रिकॉल करता चलूँ व्हाट स्पैन ऑफ कंट्रोल इज। स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं कैपेसिटी टू कंट्रोल सुपीरियर, किसी भी मैनेजर की कॉम्पिटेंसी एक्सपीरियंस स्किल्स एबिलिटी एटीट्यूड बिहेवियर की बुनियाद पर वो कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, ऐसे कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। और ये स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर आइडियल हो तो मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है, और अगर ये पुअर हो या अनएक्यूरेट हो तो ऐसे में मैनेजर कभी वेल परफॉर्म नहीं कर पाता। तो यहाँ पर हमें देखना होता है इफेक्टिव स्पैन ऑफ कंट्रोल। जब हम रीजन और एरिया के लिहाज से डिपार्टमेंट को डिवाइड करते हैं तो हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो बहुत आइडियल होता है, और इससे हमारे डिजायर्ड रिजल्ट अचीव होते हैं। नेक्स्ट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड गेन सेविंग इन टाइम। हम जो रिड्यूस करते हैं अपने ऑपरेशन की कॉस्ट को, जो कि आज की कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हमें प्राइस इंक्रीज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देती। अब हमारे पास प्रॉफिट को बढ़ाने का एक ही ऑप्शन है, हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो जब हम डिपार्टमेंटेशन बाय एरिया करते हैं तो हम अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे में इनमेट नॉलेज अबाउट द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, विन द कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर एंड रिड्यूस द कंपटीशन। हम अपने स्पेसिफिक कस्टमर का कॉन्फिडेंस विन करते हैं, किसकी बुनियाद पे, उसके टेस्ट की बुनियाद पर, उसकी चॉइस की बुनियाद पर, और जब हमारी प्रोडक्ट या सर्विस अकॉर्डिंगली फराहम अवेलेबल होती है तो हम उसको कॉन्फिडेंस विन कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच एरिया कैन बी नोन। जब हमने डिपार्टमेंटेशन को एरिया वाइज डिवाइड करते हैं तो हर सेपरेट डिपार्टमेंट की सेपरेट प्रॉफिटेबिलिटी हमें पता चल जाती है। इसकी नोबल एग्जाम्पल बैंकिंग सेक्टर में, जब बैंक्स मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ ब्रांचेस ओपन करते हैं तो उनको अपनी क्लियर पता होता है कि कौन सी ब्रांच मोर प्रॉफिट में, कौन सी ब्रांच लेस प्रॉफिट में, या कौन सी ब्रांच लॉस में। तो ये एक आइडियल कंडीशन है डिपार्टमेंटेशन बाय एरिया। देन गिव अपॉर्चुनिटी टू मैनेजर्स टू इम्प्रूव देयर स्किल्स। मैनेजर को बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने स्किल्स को पॉलिश करने की और अपने स्किल्स को बढ़ाने की, और वो इस तरह फ्यूचर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट है मोर सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस यूनिट, और ये आमतौर पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या जॉइंट बिजनेस के लिए आइडियल होती है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस में डिपार्टमेंटेशन बाय एरिया पॉसिबल नहीं है। कंट्रोल प्रोसेस वेरी इजी टू मैनेजर, और मैनेजर का कंट्रोल करना जो बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है ये कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस। डिपार्टमेंटेशन बाय रीजन और एरिया इंक्रीजेस द नंबर ऑफ पर्सनल एंड हैवी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। हर सेपरेट डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट मैनेजमेंट होती है, और इस तरह हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है जो हमारे प्रॉफिट को कम करने का सबब बनती है। कंट्रोल हेड ऑफिस इज लेस इफेक्टिव
और हेड ऑफिस जो है अपनी तमाम डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने में इतना इफेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि उनके दरमियान ज्योग्राफिकली डिस्टेंस होता है, तो वे एक लिमिटेड कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट इन्वॉल्व डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बहुत ज्यादा पाया जाता है जो हमारे लिए लॉस का सबब बनता है। स्मॉल बिजनेसेस कांट मैनेज द हाईएस्ट कॉस्ट, और स्मॉल बिजनेस इस कॉस्ट को बेयर नहीं कर पाते। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर, इसमें हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। जब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स ऑफ कस्टमर। जब हम कस्टमर वाइज डिपार्टमेंटेशन को डिवाइड करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम हर सेपरेट ग्रुप ऑफ कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की चॉइस, कस्टमर की प्रेफरेंस वेरी करती है कस्टमर टू कस्टमर, बाय एज, बाय जेंडर, बाय रेस। तो जब हम कस्टमर वाइज डिपार्टमेंट को सेपरेट करते हैं, तो हम 100% मैक्सिमम लेवल पर उनकी एक्सपेक्टेशन को उतरने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट है इट डेवलप स्पेशलाइजेशन अमंग द ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ, इससे ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशलाइजेशन में इजाफा होता है जब वो स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर के लिए प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आउट ऑफ फैशन प्रोडक्ट कैन बी डिसबैंड, आउट ऑफ फैशन प्रोडक्ट यानी जिस फैशन जिस प्रोडक्ट जो एक्सीलीट हो गई है, उस प्रोडक्ट को फ्रीक्वेंटली चेंज करना पॉसिबल होता है। इस तरह हम बहुत सारी अनवैल्यूएबल प्रोडक्ट से बच जाते हैं। नेक्स्ट ईच सेक्शन ऑफ कस्टमर गेट्स बेटर सर्विस, और हर सेक्शन हर डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर बेहतर से बेहतर सर्विसेज अचीव करने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस डिपार्टमेंटेशन में कस्टमर डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, यहाँ भी डुप्लीकेशन जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अचीवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन अक्सर वीक होती है जिसकी वजह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वेस्टेज ऑफ अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज, अक्सर रिसोर्सेज और फैसिलिटीज मिस यूज होती हैं जो कि ओवर कॉस्टिंग का सबब बनती है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज कांट बी डन अंडर दिस मेथड ड्यू टू हैवी कॉस्ट, और अक्सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर बहुत मुश्किल होता है एग्जीक्यूट करना, क्योंकि इससे कॉस्ट में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस, इसके हम एडवांटेज की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला एडवांटेज है कॉस्टलियर मशीन कैन बी यूज इफेक्टिवली। जब हम डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस डिवाइड करते हैं, प्रोसेस के लिहाज से चेंज करते हैं, तो हम एक ही मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं, और इससे हम कॉस्ट बहुत महंगी मशीन को सेंसिटिवली ऑपरेट और यूटिलाइज कर पाते हैं। सेकेंड है इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, जब हम प्रोसेस को मुख्तलिफ ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो इससे एक और बड़ा एडवांटेज होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, जो कि आजकल की कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट नो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी, जब प्रोसेस के लिहाज से डिपार्टमेंटेशन की जाती है, तो हमें डुप्लीकेशन जैसे प्रॉब्लम का नहीं सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज क्लियर होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज फॉलो, सबसे अहम जो इसमें प्रिंसिपल या बेसिक पॉइंट होता है वो स्पेशलाइजेशन का होता है, और ये किसकी वजह से होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे एक लेबर को स्पेसिफिक ग्रुप को स्पेसिफिक वर्क दिया जाता है। जैसे इट्स हेल्प टू मैनेजमेंट टू हैव इफेक्टिव परफॉर्मेंस कंट्रोल, और यहाँ पे मैनेजमेंट इफेक्टिवली परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट ग्रुपिंग में डिवाइडेड होते हैं, और उससे एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। दिस इज मोर सुटेबल फॉर अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थ्रू आउट द मोर प्रोसेस, ज्यादातर ये आइडियल है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हम प्रोसेस को आमतौर पर ज्यादा स्पेसिफिकली डिवाइड करना चाहते हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग जैसा मुश्किल बिजनेस आसानी से एग्जीक्यूट हो सके। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस, इसमें सबसे पहला पॉइंट है हैवी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, इसमें भी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हैवी होती है जो प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट मोर स्पेशलिस्ट आर एसेंशियल टू ईच प्रोसेस, और हर प्रोसेस के लिए बहुत स्पेशलिस्ट बहुत स्किलफुल वर्कर चाहिए होते हैं।
ताकि वो वर्क को स्पीडी परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है लैक ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरल टैलेंट, और अक्सर मैनेजर्स की डेवलपमेंट बहुत स्लो या ना होने के बराबर होती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वर्क एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। फिर उसके बाद है डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम, डिपार्टमेंटेशन बाय नंबर्स एंड डिपार्टमेंटेशन बाय मार्केटिंग चैनल। तो यहाँ पर आके हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, और ये आज हमारा बहुत अहम टॉपिक था जिसका नाम था डिपार्टमेंटेशन। अगर हम रिव्यू करें तो इसमें हमने सबसे पहले बात की डिपार्टमेंटेशन की डेफिनेशन की, इंट्रोडक्शन सबसे पहले, फिर हमने बात की डेफिनेशन, फिर हमने बात की मीनिंग्स, नेक्स्ट नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटेशन, फिर एरियाज ऑफ फोरकास्टिंग, नेक्स्ट बेसिक ग्रुप ऑफ डाइवर्स एक्टिविटीज, नेक्स्ट बेसिक पैटर्न टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन, कितनी तरह के डिपार्टमेंटेशन होते हैं, नेक्स्ट डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन, डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट एंड सर्विस, डिपार्टमेंटेशन बाय रीजन एरियाज, डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर। इनके हमने एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, उसके बाद हमने डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोसेस, डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम और डिपार्टमेंटेशन बाय मार्केटिंग चैनल। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे ऑफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।